गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो 8 बजे का समय सुबह का, और अभी मैं उस सारी गांव में जहाँ से कि देवरताल का ट्रैक होता शुरू। तो एक्चुअली कल नाइट रात को आया 12 बजे यहाँ पर। मैं 11:30 बजे चला था मैं वहाँ से दुगल बिट्टा से। नाइट तो हमारी वहीं पे थी, लेकिन किसी एक भाई की तबीयत ख़राब होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी थी उस बंदे को ना, तो तब जाके मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रूम हीटर था सारे गांव में, तब यहाँ लाया उसे बंदे को। तो फिर उनके साथ जो साथ में लड़के दोस्त थे उनके, तो वो भी यहीं रुक गए थे, तो इस वजह से मैं भी यहीं रुक गया है ना। तो आज चलेंगे फिर। नींद आ रही थी बहुत मस्त ठंडी में, उठने का तो मन करता भी नहीं जल्दी से मेरा। तो अब चलेंगे यहाँ से वापस दुगल बिट्टा, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वहाँ से ट्रैक करेंगे तुंगनाथ के लिए। तो आज मैं भी जाऊँगा, तो शायद से ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसको मैं 2 पार्ट में डालूँगा। चलिए जितने पार्ट बनेंगे, फिर कल हमारे यहाँ का ट्रैक होने वाला है देवरताल का, तो फिर मैं यहीं दोबारा आऊँगा सारी गाँव, फिर यहाँ से देवरताल का ट्रैक करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। तो आप यहाँ का नज़ारा देखिए, क्या मस्त धूप आ गई यहाँ पर। यहाँ पर ये चीज़ ठीक है, वहाँ पर देवरताल में वहाँ पर थी नहीं धूप, बहुत रेयर चांस था। तो क्या बात, ठंड भी कम है और यहाँ पर नेटवर्क का इशू भी नहीं है। जस्ट यहीं पे देखिए टावर खड़ा हो रखा है ये। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं वहीं जहाँ कल नाइट स्टे की थी हमने, मतलब जहाँ कल नाइट स्टे था, पैराडाइज कॉटेज रिसोर्ट जगह से कहते हैं। ये मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है और ये कैंप हैं, वो गेस्ट हैं, वो यहाँ से हिमालयन व्यू देखिए, बर्फ स्नो व्यू। अभी चलेंगे यहाँ से, टाइम हो चुका है 9:16, ब्रेकफास्ट करते हैं तब चलते हैं। ब्रेकफास्ट इज रेडी, पराठे आलू के गुटके, क्या मस्त बन रहे चूल्हे में लकड़ी, गाना गडाली गाना, आज कुजनी की लई गाँव की याद है ना। गांव में ऐसे ही मनते हैं ना, हमारे गांव में भी जो गढ़वाली लोग होंगे उनके गांव में वाला इसी में बनता था, चूल्हे में ही बनता था गांव में, अब तो स्टोव हो गए। चलिए इसको ये हो गया आलू जीरे को सलाम दुमान रेडी। तो टिफिन हो गया है पैक, प्लेन पराठे आलू जीरा, इसको दिन में खाएंगे मस्त। ये था तुंगनाथ पैकिंग के दौरान। इट्स अ कॉफी टाइम, सुबह से कुछ नहीं पिया, ना चाय ना कॉफी। तो जब यहाँ पर आए तो नाश्ता रेडी होता है, क्योंकि अभी तो पूरी बेली जा रही है, फिर इसको तलेंगे, तब तक कॉफ़ी पी लेता हूँ मैं। तेल पहले से गर्म रखा ना, तो इसलिए देखिए आग नहीं जल रही, आग तो वहाँ जल रही है और पूरी चीज़ यहाँ तल रही है। जादू है, जादू पूरी शेयर करते हैं, मस्त फ्लाइट है। पूरी भाजी नहीं, पूरी छोले गरम गरम, जस्ट बन भी रहे, गरम गरम खाओ भी।
ये अलग ग्रुप है, ट्रैक करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होगी अपनी यात्रा तुंगनाथ की, तिरते केदार। यहाँ पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग, इसलिए मैंने गाड़ी पीछे पार्क कर दी थी क्योंकि यहाँ मुझे पार्किंग मिलती नहीं, फिर मुझे इनको छोड़ ड्रॉप करके फिर नीचे जाना पड़ता। और अभी ये जय हो बोलेगा, मौसम धीरे धीरे चेंज। जय हो, जय हो। ये है ट्रैकिंग, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर स्टे करने के लिए होम स्टे भी है। यहाँ पर क्या है देखते हैं। ओके, ये मंदिर है यहाँ पर छोटा सा। अभी यहाँ पर एंट्री फीस कटेगी वन विभाग की, जो कि 150 रुपये पर हेड है। तो हमारे 5 लोग हैं, 750 रुपीज़। ठीक है भाई, ये वहाँ पर चेकिंग हो रही है, कोई पानी की बोतल ऐसे वैसे कोई फेक ना दे। 5 लोग पहुँच गए। यहाँ से पूरा का पूरा चेकिंग क्रॉस करने के बाद और एंट्री फीस मतलब 150 रुपीज़ के हिसाब से 5 लोग का 750 रुपीज़ था। तो वो चेकिंग चुकिंग भी था, क्या पूछते हैं कि कोई यहाँ पर फेंक ना दें कूड़ा कूड़ा करने के लिए ना, प्लास्टिक की चीज़ जो बैन है। तो सब चेकिंग हुई, अब निकल चुके हैं यहाँ से, धीरे धीरे चलेंगे, बढ़ते रहेंगे। ये 5 लोग भाई लोग भी चल रहे हैं साथ साथ। अभी सिर्फ 13 मिनट हुए हैं ट्रैक करते करते और हालत अभी से डाउन, भाई लोग भी मेरी तो नहीं, हम तो है पहाड़ी ईजली चढ़ जाते हैं, लेकिन भाई लोग कलकत्ता से, तो भाई लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी हमारे उस जगह से दुगलबिट्टा जहाँ ही कल नाइट स्टे थी, और अब यहाँ अभी उस एरिया पहुँच गए हैं। देख रहे हो बुग्याल, जो ये मैदान है, पहले कभी यहाँ पर कैंपिंग हुआ करती थी, कभी नाइट स्टे करना था कैंपिंग करते थे यहाँ पर, जब मैं 2016 में आया था। और आज 6 साल बाद ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो घास है बुग्याल घास ना, ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसी को बचाने के लिए वन विभाग ने ये रूल एंड रेगुलेशन लाए हैं कि अब कैंपिंग नहीं होगी, काफ़ी सारे रूल स्ट्रिक्ट कर दिए। और ये भाई, पहले मैं सोचता कि मेरे गेस्ट इतने देर में क्यों आते हैं, अब पता चल रहा है देख के क्यों आते हैं। क्योंकि कहीं पर रुक रुक के चलते रहा, इसलिए फिर आज चल पड़ा हूँ मैं आपको इन्हीं वादियों से मिलाने के लिए। अभी तो इतने टॉप से इतना दिख रहा है, और आज मुझे चंदशिला करना है कंप्लीट। तो लेट्स डू चंदशिला, बिकॉज लास्ट टाइम आई वेंट टू तुंगनाथ ओनली, आई वांटेड गो टू चंदशिला, लेकिन क्या करें टाइम की शॉर्टेज थी। और भाई ये सब 1 घंटा और 2 किलोमीटर ट्रैक किया, काफ़ी सांस फूट रही है क्योंकि कंटिन्यू चार्जेज ना। लेकिन जो हाफ डिस्टेंस था वो तो एकदम सिंपल था, नॉर्मल भी हो सकता से, तो इतना इजली चढ़ गए। लेकिन अब स्टिप चढ़ाई है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है स्टिप है, और सेकंड ये है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी होती है, जैसे हम हाइट में चढ़ते हैं और एल्टीट्यूड में। तो और दिक्कत ये भी है कि ठंड भी बढ़ती जा रही है यहाँ पर, है ना। हाँ, मेरे पीछे ये अब रह चुका है यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया, इसको भी मतलब मैं आधे घंटे में कवर कर लूँगा अगर देखा जाए। जो हम जैसे पहाड़ी बंदे होते हैं लेकिन जो कंटिन्यू ट्रैक करते हैं वो 1.5-2 घंटे में इजली तुंगनाथ। चलिए आ, लेकिन चंदशिला जरूर जाना है भैया, मेनली जो टारगेट है वो चंदशिला है। ठीक है, चलिए। बहुत स्टीप है और अभी हमको जाना है वहाँ, देखिए उधर इधर।
अगर मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाऊँ ना तो मैं अपने हार्ट बीट को सुन पा धक 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 धक। अभी वहाँ से आ रहा हूँ मैं यहाँ 20 सेकंड का रिलैक्स, 20 सेकंड का यहाँ बैठ लूँगा मैं। हाँ थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा रह गया नहीं, ठीक है चले चलते हैं यहाँ से। अभी वहाँ जाना है उस टॉप पे। हाँ यहाँ रुकूँगा मैं 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड रुकूँगा फिर चढ़ूँगा। और अब तो सीधा है भाई, हाँ क्या मज़ा आएगा, डेयरिंग लेट्स डू। बहुत हल्के 20 सेकंड रिलैक्स फिर यहीं पे करेंगे। जब भी ऐसा ट्रैक करना हो शॉर्ट शॉर्ट टारगेट रखें, 20 सेकंड रिलैक्स करें, नॉर्मल अगेन वॉक। ओके अभी देखो वहाँ जाना है, दोबारा से रुक गया मैं 20 सेकंड के। और जो मेरी बॉडी है वो अंदर से पूरी की स्वेट हो गई, पूरी पसीने से स्वेटिंग। हाँ 20-25 सेकंड में रुकूंगा फिर यहाँ पर। अब जाके वहाँ पर रुकूंगा, एक छोटा सा हट ना खाए वहाँ पर जाके थोड़ा 20 सेकंड का रुकूंगा। ठीक है इस समय मैं देख रहे हो अप्रोक्सीमेट रहा होगा 3000 फीट की एल्टीट्यूड होगा ये, और अभी तो और टॉप में जाना है फिर इसका चंद सिरा। डर के आगे जीता है, ड्यू पी के आया हुआ। चलो अब यहाँ चलते हैं, बहुत रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर, फोटो शूट भी आ गया है ना। ऑलमोस्ट वी रीच्ड, हम लगभग उस दूरी को कवर कर चुके हैं तुंगनाथ के लिए। ठीक है ये तुंगनाथ मंदिर, चल चल।